बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये जो स्क्रीन पर आपको दो ऑपरेटर्स नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये इसकी डेफिनेशन देखिए, द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय वन। यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर सिंपली क्या करता है, ये जिस भी वेरिएबल के आगे आपने ये ऑपरेटर लगाया होता है उसकी वैल्यू में एक का इजाफा कर देता है। जैसे आप लिखते हैं इन ए इक्वल्स टू 5, देन ए इक्वल्स टू ए प्लस 1। तो यहाँ हमने ए में वैल्यू असाइन की है 5, और फिर हम उस वेरिएबल ए में मौजूद वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। सेम एक्सप्रेशन को आप इस तरह कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू भी लिख सकते हैं। तो अभी भी यहाँ हम ए में मौजूद वैल्यू में 1 का इजाफा कर रहे हैं, और सेम इसी लाइंस के थ्रू, सेम इन्हीं लाइंस को हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले लगाएंगे, उसके बाद वो वेरिएबल लिखेंगे जिसमें मौजूद वैल्यू में हमें 1 का इंक्रीमेंट करना है। और दोस्तों, चाहे आप a इक्वल्स टू a प्लस 1 लिखें, a प्लस इक्वल्स टू 1 लिखें, और प्लस प्लस a लिखें, तीनों की फंक्शनैलिटी सेम है। यानी तीनों ही a की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का फायदा क्या है? दोस्तों, इंक्रीमेंट ऑपरेटर वाली स्टेटमेंट को आप लोग देखें तो इसको लिखना सबसे ज्यादा आसान है, और साथ के साथ ये तीनों स्टेटमेंट्स में सबसे मुख्तसर स्टेटमेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बाद बिल्कुल ऐसे ही एक और ऑपरेटर आता है, दैट इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बताती चलूं, क्योंकि इन तीनों स्टेटमेंट्स की फंक्शनैलिटी सेम है, तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को जब आप रन करेंगे तो उसका रिजल्ट भी सेम आएगा। यानी a इक्वल्स टू a प्लस 1 लिखें, a प्लस इक्वल्स टू 1 लिखें, या प्लस प्लस a लिखें, तो तीनों ही क्योंकि a में मौजूद वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर रही हैं, तो यहाँ पर आपको तीनों एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो 6 मिलेगा। तो उसके बाद जो दूसरा ऑपरेटर होता है वो कहलाता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और दोस्तों, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन देखिए, द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। यानी जिस तरह इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम वेरिएबल में मौजूद वैल्यू में 1 का इजाफा कर रहे थे, ऐसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम किसी भी वेरिएबल में मौजूद वैल्यू में 1 की कमी भी कर सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं int a equals to 5, then आप स्टेटमेंट लिखते हैं a equals to a minus 1। तो यहाँ हमने एक वेरिएबल a लिया है जिसमें वैल्यू असाइन की है 5, और नेक्स्ट लाइन में हमने उस वेरिएबल से माइनस 1 कर दिया है। यानी हमने वेरिएबल में मौजूद वैल्यू में से 1 की कमी कर दी है। इसी तरीके से अब इस लाइन को कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू इस तरह भी लिख सकते हैं, और इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, और वो तरीकेकार कहलाता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू इस तरह से। यानी पहले आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखेंगे, और उसके बाद जिस भी वेरिएबल में से आपको 1 का डिक्रीमेंट करना है, 1 की कमी करनी है, आप वो वेरिएबल लिखेंगे। और दोस्तों, इन तीनों स्टेटमेंट्स का रिजल्ट सेम आएगा, यानी इनका रिजल्ट आएगा 4। ओके दोस्तों, हमारे पास a में मौजूद है वैल्यू 5, जब उनमें से अगर हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे तो भी उसमें से 1 का डिक्रीमेंट कर रहे हैं, 1 माइनस कर रहे हैं, अगर ये एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू भी हम 5 में से 1 की कमी कर रहे हैं, और अगर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस तरह से लिखेंगे तब भी हम इसमें से 1 की कमी कर रहे हैं, विच मीन्स के इन तीनों स्टेटमेंट्स का रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को कब यूज करें। याद रखिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमें किसी वेरिएबल में से एक का इजाफा या एक की कमी करनी होगी। एक से ज्यादा नंबर का इजाफा या कमी हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू नहीं कर सकते। तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना है, जब हमें हमेशा किसी भी वेरिएबल में से 1 का इंक्रीमेंट करना हो, यानी 1 का इजाफा करना हो और 1 का ही डिक्रीमेंट करना हो, तो तभी हम इस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। जबकि अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी के मुताबिक, अगर यहाँ 2 लिख दे तो यहाँ पर 2 का डिक्रीमेंट होगा, और अगर हम यहाँ 3 लिख दे तो 3 का डिक्रीमेंट होगा। लेकिन अगर आप कहीं माइनस माइनस ए लिख देते हैं
तो वहां पर हमेशा उस वेरिएबल में से सिर्फ एक की ही कमी होगी। और दोस्तों ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, दीज आर यूनरी ऑपरेटर्स, यानी जिस तरह अर्थमेटिक, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं, क्योंकि इन ऑपरेटर्स को परफॉर्म करने के लिए हमें दो ऑपरेंड्स चाहिए ही होते हैं। जैसे आप लिखते हैं a प्लस बी, तो यहाँ प्लस एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है जिसको अप्लाई करने के लिए आपको दो ऑपरेटर्स यानी दो ऑपरेंड्स चाहिए ही होंगे। ऐसे ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर है जिसके लिए आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड रिक्वायर्ड होगा इस तरह से। तो अगर आप इसमें दो ऑपरेंड यूज कर लेते हैं, यानी अगर आप इस तरह से लिख देते हैं a प्लस प्लस और उसके बाद आप दूसरा ऑपरेंड लिख देते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर है जो कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड पर काम कर सकता है, और वो ऑपरेंड भी दोस्तों कोई ना कोई वेरिएबल ही होना चाहिए, यानी आप उसकी जगह कोई कॉन्स्टेंट या एक्सप्रेशन को यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, लेकिन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की भी कुछ टाइप होती है। अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करें तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की दो टाइप्स होती हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। दोस्तों प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हम हमेशा वेरिएबल से पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, इस तरह से कि पहले आप लिखेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर देन वेरिएबल जिसकी वैल्यू में आपको 1 का इंक्रीमेंट करना है, जबकि पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हम हमेशा वेरिएबल के बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। दोस्तों प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर से मुराद है कि फर्स्ट इंक्रीमेंट द वैल्यू देन असाइन द इंक्रीमेंटेड वैल्यू, यानी यहाँ पर क्योंकि प्लस प्लस आपको पहले लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी पहले आपको वैल्यू में एक का इजाफा करना है, उसके बाद आपको वैल्यू असाइन करनी है। दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यानी अगर हम लिखते हैं a प्लस प्लस या प्लस प्लस a, तो यहाँ पर दरअसल हम a के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसमें एक का इजाफा करके, यानी उसमें प्लस वन करके उस वैल्यू को दोबारा a में असाइन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस प्लस a से मुराद ये है कि पहले वो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी उसके बाद असाइन की जाएगी a को, तो ये कहलाता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जबकि पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को आप देखें तो इसके अंदर इससे मुराद है कि फर्स्ट असाइन देन इंक्रीमेंट द वैल्यू, यानी पहले जो भी वैल्यू उसमें पड़ी है वेरिएबल के अंदर वो आपको असाइन करनी है, उसके बाद उस वैल्यू में आपको 1 का इंक्रीमेंट करना है। दोस्तों जैसे आप लिखते हैं int a equals to 5 और आपने दो वेरिएबल लिए हैं a और x, a में आपने वैल्यू असाइन की है 5, तो अगर आप उस x में a को असाइन करने जा रहे हैं, यानी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ आप a को असाइन करने जा रहे हैं, तो अब क्या होगा। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर आप जानते हैं कि पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है उसके बाद असाइन करता है वेरिएबल को, तो यहाँ पर क्योंकि वैल्यू है 5 तो ये उस 5 की वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करेगा यानी 6 करेगा, और 6 के बाद ये उस वेरिएबल x को ये वैल्यू असाइन करेगा, यानी x के अंदर अब ये 6 असाइन करेगा, तो यहाँ पर x का रिजल्ट आएगा 6। लेकिन दोस्तों अगर आप x के अंदर पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर असाइन करते हैं इस तरह से, तो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले असाइन करता है उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, तो यहाँ पर पहले a में जो भी वैल्यू मौजूद है, a में अभी 5 मौजूद है, तो ये 5 को पहले x को असाइन करेगा और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट करेगा। तो अब अगर आप x का रिजल्ट प्रिंट करवाना चाहेंगे तो वहां पर x का रिजल्ट होगा 5। तो यहाँ पर आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि प्लस प्लस a में और a प्लस प्लस में, यानी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या फर्क है। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है उसके बाद उसको असाइन करता है, जबकि पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले वैल्यू को असाइन करता है उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करता है। और दोस्तों आपको इसके ऑपरेटर से भी अंदाजा हो गया होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस बाद में लिखा है, तो विच मीन्स कि ये इसके अंदर इंक्रीमेंट बाद में करेगा, और यहाँ पर प्लस प्लस पहले लिखा है विच मीन्स कि ये इंक्रीमेंट पहले करेगा। इसके बाद आता है दोस्तों डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दोस्तों डिक्रीमेंट ऑपरेटर की भी दो टाइप्स होती हैं, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर आप किस तरह से यूज करेंगे, आप पहले जो है माइनस माइनस लिखेंगे उसके बाद वो वेरिएबल लिखेंगे जिसमें जिसकी वैल्यू में आपको 1 का डिक्रीमेंट करना है,
और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर को आप किस तरह से लिखेंगे, आप पहले वेरिएबल लिखेंगे और उसके बाद माइनस माइनस लिखेंगे। और दोस्तों इन दोनों में क्या फर्क है, वही फर्क है जो कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में था। यानी प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा, उसके बाद डिक्रीमेंटेड वैल्यू असाइन करेगा, और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले वैल्यू को असाइन करेगा उसके बाद उसको डिक्रीमेंट करेगा। दोस्तों पिछली एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर भी सेम एग्जाम्पल है, हमने दो इंटीजर्स लिए हैं ए और एक्स। ए के अंदर हमने वैल्यू असाइन की है 5। अब हम एक्स को असाइन करने जा रहे हैं प्रीफिक्स डिक्रीमेंटेड ए। तो यहाँ पर ये पहले ए में पड़ी वैल्यू को, यानी ए में जो वैल्यू मौजूद है उसको डिक्रीमेंट करेगा, 4 करेगा, और फिर उस 4 को असाइन करेगा एक्स को। इसलिए आपके पास एक्स के अंदर रिजल्ट आ जाएगा 4। लेकिन यहाँ पर यानी पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये पहले वैल्यू को असाइन करेगा, वैल्यू है 5, तो उसको असाइन कर देगा एक्स को और उसके बाद उसमें डिक्रीमेंट करेगा, तो इसीलिए यहाँ पर एक्स का रिजल्ट आपको मिलेगा 5। इस तरीके से दोस्तों प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। अब दोस्तों आइए इनको प्रोग्रामेटिकली समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम नजर आ रहा है जिसमें हमने एक वेरिएबल लिया है काउंट जो कि इंटीजर टाइप का है और हमने इसमें एक वैल्यू असाइन की है 6। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप लिखते हैं a इक्वल्स टू a प्लस 1 या फिर अगर आप कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू लिखते हैं a प्लस इक्वल्स टू 1 और अगर वही काम आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स के थ्रू भी करते हैं यानी आप प्लस प्लस a लिखते हैं तो वो आपको सेम रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों यही चीज हम वेरीफाई करते हैं। हमने यहाँ पर a की जगह वेरिएबल ले लिया है काउंट। अब हमने पहली एक्सप्रेशन लिखी है काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। अब दोस्तों हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कमेंट कर देते हैं और सिर्फ इस ऊपर वाली स्टेटमेंट को रन करके देखते हैं। हमने कंट्रोल एस किया और इसको कंपाइल और रन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट आया है 7। यानी यहाँ पर वेरिएबल था 6, उसमें वैल्यू थी 6, जब उसमें हमने 1 का इंक्रीमेंट किया, 1 का प्लस किया तो रिजल्ट आ गया 7। अब हम इसी स्टेटमेंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तीनों स्टेटमेंट सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, तो हम दूसरी स्टेटमेंट रन करके देखते हैं। हमने कंट्रोल एस किया और अब हम इसको कंपाइल और रन करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों आपको सेकंड एक्सप्रेशन से भी सेम रिजल्ट मिला है, यानी काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 भी जो है वो एक्चुअली इसी के बराबर होती है। जब कंपाइलर इसको रन कर रहा होता है, कंपाइल कर रहा होता है, तो वो पहले इसको इस लाइन में कन्वर्ट करता है, यानी काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 में कन्वर्ट करता है और फिर ही उसको कंपाइल करता है। इसीलिए दोस्तों इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी सेम आया है। अब दोस्तों हम इस थर्ड एक्सप्रेशन को रन करके देखते हैं कि जो कि हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू की गई है, तो इसको हमने कंट्रोल एस किया और यहाँ पर हमने इसको कंपाइल और रन किया। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आपको इसका रिजल्ट जो है वो 7 ही मिल रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पर आपको वेरीफाई हो गया कि जो तीनों एक्सप्रेशन है ये सेम फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, ये काउंट वेरिएबल में मौजूद वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर रही है। अब आइए इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी हमने सेम वही प्रोग्राम लिया है, बस यहाँ पर हमने प्लस की जगह माइनस लिख दिया है। यानी अगर आप फर्स्ट एक्सप्रेशन देखें तो यहाँ हमने काउंट प्लस की जगह माइनस 1 लिख दिया है, काउंट प्लस इक्वल टू की जगह माइनस इक्वल टू लिख दिया है और प्लस प्लस काउंट की जगह माइनस माइनस काउंट कर दिया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये काउंट वेरिएबल में मौजूद वैल्यू में से 1 का डिक्रीमेंट कर रहा है, 1 की कमी कर रहा है। इस एक्सप्रेशन में भी सेम यही हो रहा है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वाली एक्सप्रेशन में भी सेम यही हो रहा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को रन करके देखते हैं। हमने कंट्रोल एस किया और यहाँ पर हमने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू थी 6 काउंट के अंदर और जब इसमें से 1 का डिक्रीमेंट हो गया, 1 की कमी हो गई, तो यहाँ पर ये वैल्यू बन गई है 5। इसी तरीके से दोस्तों हम सेकंड एक्सप्रेशन को रन करके देखते हैं। हमने इसको सेव किया और कंपाइल और रन किया तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आया है 5। और थर्ड एक्सप्रेशन को भी अगर हम रन करके देखें तो सेम रिजल्ट आएगा। ये देखिए यहाँ पर भी 5 आया है, विच मीन्स कि जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये सेम फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वेरिएबल काउंट में मौजूद वैल्यू में से 1 का डिक्रीमेंट कर रही है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं, अगर आप यहाँ पर 1 की जगह 2 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 1 की जगह 2 लिख देते हैं, तो ये 2 का भी डिक्रीमेंट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसी कोई फीचर प्रोवाइड नहीं किया गया, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ
वन का ही डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो याद रखिए आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कब यूज करेंगे, जब कभी भी आपको हमेशा वन का ही डिक्रीमेंट करना हो। आइए इसको हम रन करके भी देख लेते हैं कि क्या जो हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट में टू का डिक्रीमेंट किया है, क्या ये जो एक्सप्रेशन है ये इस तरह से करती है या नहीं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले रिजल्ट आ रहा था 5 और अब रिजल्ट आ रहा है 4, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 के बजाय 2 लिख दिया है। 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4, विच मीन्स कि यहाँ पर आप 2, 3, 4 जितने वैल्यूज का चाहें आप डिक्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में आप सिर्फ 1 का ही डिक्रीमेंट और 1 का ही इंक्रीमेंट। दोस्तों अभी तक हमने ये देखा कि काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 और काउंट प्लस प्लस जो है वो एक ही फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक दो वेरिएबल लिए हैं, काउंट और एक्स, और काउंट में हमने वैल्यू असाइन की है 6, जबकि एक्स को हमने वेरिएबल असाइन किया है काउंट लेकिन प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ। अब दोस्तों प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है और इंक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू को असाइन करता है, विच मींस के अभी यहाँ पर काउंट में 6 मौजूद है तो 6 में ये 1 का इंक्रीमेंट करेगा तो वैल्यू हो जाएगी 7 और फिर ये उस 7 को असाइन करेगा x को, विच मींस के अब हमें x में भी वैल्यू मिलेगी 7। ये देखिए यहाँ पर आपको रिजल्ट के तौर पर 7 नजर आ रहा है। दोस्तों अब अगर हम इसको प्लस प्लस काउंट की जगह यानी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट की जगह पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट कर दें इस तरह से, तो अब पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट क्या करता है दोस्तों, ये पहले वैल्यू को असाइन करता है यानी काउंट में जो भी वैल्यू पड़ी है उसको असाइन करता है और उसके बाद उसमें 1 का इंक्रीमेंट करता है। हम इसको कंट्रोल एस करेंगे और दोबारा से इसको कंपाइल और रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू आपको 6 नजर आ रही है, जबकि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का रिजल्ट आपने देखा था तो वो 7 थी। तो दोस्तों यहाँ पर वैल्यू 6 इसीलिए है क्योंकि ये पहले वैल्यू को असाइन करेगा, यानी 6 में वैल्यू 6 है, काउंट में वैल्यू 6 है तो ये इसको पहले x को असाइन करेगा, x में भी वैल्यू 6 आ जाएगी और उसके बाद काउंट में 1 का इंक्रीमेंट करेगा। अब अगर हम इस काउंट को प्रिंट करवाना चाहें तो काउंट में आपको वैल्यू मिलेगी 7, ये हमने लिख दिया है काउंट वेरिएबल, और अब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे दोस्तों, अब हमने यहां पर x को भी प्रिंट करवा दिया है और काउंट को भी प्रिंट करवा दिया है, लेकिन x के अंदर क्योंकि हमने पहले वैल्यू असाइन की है तो x के अंदर वैल्यू मिलेगी आपको 6, जबकि काउंट में वैल्यू मिलेगी 7 क्योंकि काउंट में अब इंक्रीमेंट हो चुका है 1 का। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x के अंदर वैल्यू आ गई है 6 और काउंट के अंदर वैल्यू आई है 7, क्योंकि काउंट ने पहले, क्योंकि काउंट प्लस प्लस हमने लिखा है, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट लिखा है तो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट पहले वैल्यू को असाइन करेगा, तो x में जब ये वैल्यू असाइन करेगा 6 तो रिजल्ट में भी आपको 6 मिलेगा, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट करेगा, इसीलिए अब काउंट में 6 के बजाय 7 आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट काम करता है। अगर हम इसी को प्रीफिक्स डिक्रीमेंट और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट की बात करें दोस्तों, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा और उसके बाद उसको असाइन करेगा, तो यहाँ पर क्योंकि काउंट के अंदर वैल्यू है 6 ये पहले इसको डिक्रीमेंट करेगा यानी 5 करेगा और उसके बाद ये इस x को 5 असाइन करेगा। ये देखिए x में आप देख सकते हैं कि 5 आ चुका है। इसी तरीके से दोस्तों पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट क्या करता है, ये हमने माइनस माइनस पहले से हटाकर बाद में लिख दिया है, और यहाँ पर अब ये पहले वैल्यू को असाइन करेगा उसके बाद उसमें डिक्रीमेंट करेगा, विच मींस कि अब x में आपको 6 ही मिलेगा क्योंकि इसने पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट नहीं किया बल्कि पहले असाइन किया है, इसीलिए x में 6 ही रहा है। अब अगर हम काउंट को प्रिंट करवाएंगे तो काउंट में वैल्यू हो चुकी होगी 5। तो दोस्तों इस तरीके से प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट काम करता है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिए कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आप हमेशा वेरिएबल पर ही असाइन करेंगे, क्योंकि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हम किसी वेरिएबल में मौजूद वैल्यू में से एक की कमी या एक का इजाफा करते हैं और साथ के साथ उस वैल्यू को दोबारा से उस वेरिएबल में स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिख रहे हैं काउंट प्लस प्लस,
तो दरअसल आप काउंट वेरिएबल में मौजूद वैल्यू में एक का इजाफा कर रहे हैं, यानी ये इस तरह से आप लिख रहे हैं काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, यानी आपने काउंट वेरिएबल में मौजूद वैल्यू में एक का इजाफा किया और दोबारा से उसे काउंट वेरिएबल में ही स्टोर करवा दिया, जबकि आप ये काम किसी कॉन्स्टेंट के साथ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से नहीं लिख सकते कि 4 प्लस प्लस, अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो होगा क्या कि 4 में एक का इजाफा तो हो जाएगा, लेकिन आप उस 4 को स्टोर कहाँ करवाएंगे, क्योंकि आप कॉन्स्टेंट में तो कोई चीज स्टोर नहीं करवा सकते। हम जानते हैं कि हम सी लैंग्वेज के अंदर तमाम वैल्यूज को किसी ना किसी वेरिएबल में ही स्टोर करवाते हैं, तो अगर आप इस तरह से लिख देते हैं 4 प्लस प्लस और अगर हम इसको स्टोर करवाते हैं तो आपका कंपाइलर एरर देगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसने एरर दिया है एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी यहाँ पर वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पर वैल्यू नहीं हो सकती। सेम इसी तरीके से आप कॉन्स्टेंट्स को तो यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं करवा सकते, साथ के साथ आप किसी एक्सप्रेशन को भी नहीं करवा सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा है ए एक वेरिएबल लिया है जिसको हमने वैल्यू असाइन की है 6 और एक बी वेरिएबल लिया है जिसको हमने वैल्यू असाइन की है 2। अब अगर हम इस ए प्लस बी को जो कि एक एक्सप्रेशन है इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसके आगे लगा देते हैं तो अभी भी आपका कंपाइलर एरर देगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ए की जगह आ जाएगा 6 और बी की जगह आ जाएगा 2। अब जब हम 6 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी ये एक कांस्टेंट बन जाएगा और दोबारा से आप कांस्टेंट के अंदर किसी किस्म की कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। तो इसीलिए अगर आप एक्सप्रेशंस भी लिखते हैं तो आपका कंपाइलर आपको इस तरह से एरर देगा। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि आप जब भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स अप्लाई करें तो किसी ना किसी वेरिएबल पे करें, ना ही आप एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हैं और ना ही आप किसी कांस्टेंट पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल। दोस्तों यहाँ पर हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ, अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस इन सी, यानी अभी तक हमने जितने भी ऑपरेटर्स पढ़े हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल रिलेशनल असाइनमेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स वगैरह, तो अगर ये तमाम ऑपरेटर्स किसी एक एक्सप्रेशन में आ जाते हैं तो फिर आप किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करेंगे, किस ऑपरेटर को बाद में, ये हम सीखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।